आप लोग बैठे मीटिंग सर में मीटिंग गया था फिजिकल मीटिंग गया था वहां पे सारी चीज समझ नहीं आई मगर एक बड़ा आज थैंक करेंगे प्लान का कि हमको बड़ा फंक्शन लेके मेगा फंक्शन सिर्फ दिल्ली फंक्शन होता है इस तरह फंक्शन गए वहां से विजन क्लियर हो गया बहुत अच्छा भी हम भी कर सकते हैं वहां से किस पास नहीं उतरा जैसे आप बहुत सारे दिल्ली गए थे वहां से बहुत बड़ा फेथ लेके आए आए ठीक है तो ऐसे फंक्शन आगे बाद स्टार्ट किए स्टार्ट करने बाद जो चैलेंज सब साथ देता हो हमारे साथ भी ऐसा ठीक है तो आज आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं स्पेशल नहीं हम साधारण टीचर हैं बस हमने क्या किया सिस्टम पालन चलते अपन सीधे प्लान में आते हैं बिजनेस क्या है कैसे काम करता है क्या करना पड़ेगा सारे चीज क्या करके बशर्ते आपको आधे घंटे ओपन माइंड होकर बैठना पड़ेगा बस ठीक है लेकिन तीन चीज जब भी काम करती है जब ओपन रहती है मानव माइंड पैरासूट और ये छतरी तीन चीज खुली है तभी काम करेगी माइंड खुला है तभी दिन काम करेगा छतरी खुली है तभी काम करेगी और पैरासूट खुला रहेगा तभी काम करेगा आधे घंटे ओपन माइंड होकर बैठा है मेरी बातों को ओपन मैं जो बताऊंगा मेरे पर्सनल नहीं है सफल लोग देन है अंतरराष्ट्रीय बिजनेस है अंतरराष्ट्रीय स्तर में चलता है ये तो अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा बस है ना मैं दावा नहीं करता समझ में आ जाए मगर दावा करते हुए समझ में आएगा जिंदगी तक करने के पॉइंट हो सकता मैं जरूर दावा करता हूँ इस तरह हम भी मीटिंग गए थे आज हम यहाँ पर है चलते सीधे प्लान करते हैं इसका नाम क्या है इसका नाम इंटरनेशनल टेंशन फ्री बिजनेस अंतरराष्ट्रीय चिंता मुक्त इसको करना पार्ट है अपने प्रेजेंट काम को नहीं डिस्टर्ब करना जिस हम भी काम कर रहे हैं साइड में बिजनेस कर रहे हैं साइड बिजनेस कर रहे हैं इसका कोर्स है 2 से 5 साल 2 से 5 ईयर आज यदि आप घंटे दो घंटे करते हैं 2 से 5 साल से टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं टेंशन फ्री यानी पैसे कमाते टेंशन आज का ही टेंशन बच्चों को KG 1 KG 2 से जहाँ काम पढ़ाते क्या है कि पैसे कमाने के लेकिन दुनिया में दो तरह काम होते हैं एक काम करेंगे तो पैसे के पीछे दौड़ना पड़ेगा आज जो जहाँ पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं मगर जो काम बता रहे उस दिन काम करेंगे पैसा आप पीछे दौड़े किसको चुनेंगे पैसे पीछे दौड़ा पैसा हमारे पीछे दौड़े हर आदमी चाहता है पैसा हमारे पीछे दौड़े ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको उस दिन काम करेंगे आपके पीछे पैसा दौड़े बहुत सारे लोग ऐसे लोग जिनके पीछे पैसा दौड़े मैं यहाँ हवा भाई की बात नहीं कर रहा हूँ जो चीज है ओरिजिनल उसको बताने की जांच करूंगी ठीक है आज बहुत सारे ऐसे सफल लोग हैं जिनके पीछे पैसा दौड़ रहा है नेटवर्क की बिजनेस है ठीक है नेटवर्क पावर समझना क्या है नेटवर्क है ठीक है घंटे घंटे 2 से 5 साल करना चाहिए ठीक है अपने कार्य क्षमता निर्भर करता है जितनी कार्य क्षमता उतनी लगा दे जितनी जल्दी सक्सेस बनो उतनी जल्दी सक्सेस पा जाए ठीक है एक ग्राफ बताऊंगा महंगाई किस कैसे महंगाई बढ़ रही है कितनी महंगाई बढ़ रही है महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है कभी नहीं घटी जो ग्राफ बताऊंगा देखेंगे हर साल महंगाई बढ़ रही है पीछे नहीं आ रही महंगाई घटाने के तरीके कमाई को बढ़ा लीजिए बस यही है इनकम को बढ़ा लीजिए महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी तो बताऊंगा ग्राफ क्या है अपन थोड़ी पीछे चलेंगे 1940 जो 10 रुपए कमा रहा था उसकी दाल रोटी किस तरह चले लाइफ स्टाइल अच्छी दाल रोटी किस तरह चला रहा था इसके 20 साल हम भी करते हैं आता 1960 में जो 100 रुपए कमा रहा था ये दाल रोटी किस तरह चला था इसके 20 साल आगे चलते हैं आता 1980 में महंगाई हो गई यहाँ पर देखेंगे हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ गई और 1980 में जो 11 रुपए कमा रहा था ये भी किसने दाल रोटी के पिछड़ा रहा था इसके 20 साल आगे चलते हैं 2000 में महंगाई हो गई 10000 जब 10000 कमाने वाला भी बस किसने दाल रोटी चला रहा था इसके 20 साल आगे आता है 2020 इस 2023 चल रहा है इसमें जो 1 लाख कमा रहा है उसकी किसी तरह दाल रोटी चलेगी 4-5 लोग परिवार है 1 लाख कमा रहा है किसी तरह दाल रोटी चलेगी लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं होगी इसके 20 साल अंक क्या है 2040 आएगा कि ना आएगा आएगा ही आएगा यहाँ पर जो 10 लाख कमाएगा उसकी इनकम दाल रोटी किसी तरह चलेगी यहाँ पर आप जवाब स्पष्ट करना जो हम जो काम कर रहे हैं क्या 2040 10 लाख कमाएंगे यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं कुछ लोग बोलते कमाएंगे हाँ कुछ लोग कमाते भी हैं ज्यादा कमाते हैं जो लोग कमाते हैं उनको 10 लाख कमाते हैं काम करना पड़ेगा बिना काम करते चले जाएंगे मगर इस बिजनेस की इस इनकम को 2 से 5 साल 10 साल में इसको बना सकते हैं यह ग्राफ ठीक है तो अपन महंगाई कंट्रोल में कर सकते हैं चलते बिजनेस क्या है
मुद्दे पर चलते हैं बिजनेस प्लान। इसका तो एक बैकग्राउंड था, अब सोचने वाली बात, 25 साल हो गए इंडिया में सक्सेस, 25 साल हो गए, 25 साल करीब मनाई गई है, ठीक है। अब तो सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस लगाना है, 24 से 37 दिन चल रहा है, 64-60 कंट्री हो गए, 25 साल सक्सेसफुल इंडिया में चलते गए, कुछ तो है। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत शब्द बेकूफ बना सकते हैं, मगर बहुत लोगों को बहुत शब्द बेकूफ नहीं बना सकते। 137 कंट्री को 64 साल तक कंटिन्यू बेकूफ नहीं बना सकते हैं, कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। अब आता बाहर जितने लोग बैठे हुए हम बोलेगा आप दिल्ली जाना, सबको दिल्ली जाना, कल सुबह 6 बजे पहुंचना, कितने लोग दिल्ली जाएंगे बताइए? शायद कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कारण स्पष्ट नहीं है। फिर हम आपको बोले कि आप सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचते हैं, आपको 10 लाख का चेक मिलने वाला, आप एक व्यक्ति स्टेशन में खड़ा हो गया, आपके नाम पर चेक लिए खड़ा रहेगा, 6 बजे पहुंचेंगे, तो कितने लोग जाएंगे? शायद सारे लोग चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मतलब वाई क्लियर हो गया ना, हाउ कैसे जाएंगे हमसे नहीं पूछेंगे, 10 लाख चेक मिलना है तो आप चले जाएंगे नहीं, कंडीशन 6 बजे हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि 10 लाख का सवाल है। तो इस बीच क्यों करना है, वाय वाय वाय, आज ये सक्सेस प्रोफाइल देखिए, इसमें कितने लोग हैं, हैं जिन पास पैसे ही पैसा है, टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये सारे लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, बिजनेसमैन हैं, हर बैकग्राउंड से लोग, गांव से है, शहर से है, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, है ना, हर तरह के लोग, ये अपॉर्चुनिटी सभी के समान अपॉर्चुनिटी है। इसको देख मैं बताता हूँ, गारंटी देता हूँ, यदि इस प्लान देखने के बाद यदि कोई भगवान से शिकायत करता है हमको अवसर नहीं मिला, गलत हो, ये अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई समय नहीं लगता, कोई पढ़ाई नहीं लगती, कोई जात धर्म लगता, कोई गांव शहर नहीं लगता, हर शहर से लोग, हर जगह से लोग सक्सेस हैं, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी, बसरते प्राइस पे करना पड़ेगा, सफलता कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ये सारे सफल लोग क्यों कर रहे हैं, अच्छे बिजनेस फैमिली से कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस से, ठीक है। पाठक से हमेशा बोलते हैं कोई गिरे दम पर नहीं कर सकता बिजनेस, ठीक है, फैमिली बिजनेस, ठीक है, क्यों करना है। इसमें बता दें, इसमें जो चीज दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा बता दें, उसमें रिलेट करना, हम तो रिलेट किए तो पैसे के लिए आए, उसमें मिलेगा मनी, पैसा मिलता है, साथ में समय मिलता है, किसी न किसी को सुरक्षा मिलती है, सम्मान मिलता है, ये 5 चीज का पैकेज है जो कि दुनिया में किसी चीज से मिलता है। पैसे का पैकेज तो मिल जाता है, 1 लाख 2 लाख का पैकेज उठा रहे, मगर समय उनके पास बिल्कुल नहीं रहता है। देखिए जिन पास पैसा समय नहीं है, जिन पास समय तो पैसा नहीं है, पैसा तो समय नहीं है, समय तो पैसा नहीं है। अब दुनिया में 95 लोग ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं, समय पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी कहीं नहीं, सिक्योरिटी पर काम रहता है पैसा है, काम कर रहे हैं और पैसा है, सिक्योरिटी नहीं, काम रहता है पैसा है, इसमें लीडरशिप होना चाहिए, मॉनिटरिंग का भी जो क्लियर थोड़ी आती है, इस सबको आगे क्लियर करेंगे, रिकॉग्निशन सम्मान मिलता है, स्टाफ अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं। आज हम MBA में होते, अच्छे दोस्त हमको न मिलते, हम तो दोस्त बनाने के लिए आए थे, पैसे के लिए आए थे, ठीक है। मनी पैसा मिलेगा, समय मिलेगा, सिक्योरिटी मिलती है, तब का वाई क्लियर करना, हमको क्यों करना है। अच्छे अच्छे डॉक्टर बैच लोग पैसे के लिए नहीं आए थे, टाइम फ्रीडम के लिए आए थे, मनी तो है, ठीक है। ये 5 पैसे कमाने को साधन है, पहला साधन जॉब, कुछ लोग नौकरी करते हैं, नौकरी कहे के लिए करते हैं, पैसे के लिए, एंजॉय के लिए, हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, ठीक है। दूसरा प्रोफेशन, डॉक्टर इंजीनियर का प्रोफेशन, डॉक्टरी डॉक्टर पैसा क्यों करता है, पैसे के लिए करता है, ठीक है। तीसरा बिजनेसमैन, ठीक है। चौथा है
यही चार साधन पैसे कमाने की, जॉब प्रोफेसर और डिग्री तक। अब एक कर्मचारी छह से आठ घंटे काम करता है, डॉक्टर साहब ने आठ दस काम करते हैं, दुकानदार दस से बारह घंटे काम करता है, किसान भी बारह चौदह काम करता है, मगर इनकी सभी इनकम क्या होती है, टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब जब तक काम करते पैसा आता नहीं तो नहीं आता है। एक जॉब वाला जॉब ले जाएगा पैसा नहीं आएगा, है ना। डॉक्टर साहब पेशेंट नहीं देखेंगे पैसा नहीं आएगा। दुकानदार सपोज किसी दुकान पचास साल चले गए, शटर बंद तो इनकम बंद। खेती वाला तो ऐसा काम करने पर पैसा नहीं आता, सही बात है। पहले मतलब ये सबसे इनकम टेम्परेरी, जहाँ पर दुनिया का 95% समाज काम कर रहा है जहाँ इनकम टेम्परेरी होती है। मगर जो काम बता रहे इसमें परमानेंट इनकम है, ऑनगोइंग बच्चों को जाती है, ग्रोविंग बढ़ती हुई और अनलिमिटेड, इसमें पैसे कमाने कोई सीमा नहीं। कोई साइड से 10,000, कोई साइड से 50,000, कोई साइड से 1,00,000, कोई साइड से 50,00,000, कोई साइड से करोड़ रुपए कमा रहे हैं। डॉक्टर बैच वगैरह करोड़ों में कमा रहे हैं, ठीक है। ये है नेटवर्क की पावर, ठीक है। हर मनुष्य पास 24 होता है, न 23 घंटे न 25 घंटे, खुवाने सबको बराबर समय दिया है। अब पूरी लाइफ में कितना कमा सकते हैं पैसे कमाने के लिए, 96,000 घंटे। पैसे कमाने का सूत्र टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना समय डालते उतना पैसा आता है। ये टाइम को डबल कर देते हैं तो मनी भी डबल हो जाती है, और टाइम जीरो तो मनी जीरो। यदि इन सब का समय हम जीरो कर दें तो इनकम क्या है, जीरो। तो जॉब वाला हो चाहे प्रोफेशनल हो चाहे बिजनेस हो, यदि टाइम का जीरो कर दे तो इनकम जीरो हो जाती है। सपोज 8 घंटे काम करके 10,000 कमा रहे हैं, यदि हमको 20,000 कमाना है 16 घंटे काम करना पड़ेगा, 30,000 कमाना है 24 घंटे काम करने पड़ेगा। यदि हमको 4,000 का पड़ गए समय नहीं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था 24 घंटे। बताने का मतलब यदि हमारा समय बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ सकती है, क्योंकि इनकम का फार्मूला टाइम टू मनी। यदि हमारा समय बढ़ जाएगा तो इनकम बढ़ जाएगी। मीन्स क्या है, हमारे बीच में समय बढ़ता है इससे इनकम बढ़ जाती है। समय कैसे बढ़ेगा ध्यान देना, ठीक है। आवाज मेरी सही आ रही सर जी? हेलो, यस भाई, बढ़िया आवाज। तो समय हमारा कैसे बढ़ेगा, समय बढ़ती जेब और बढ़ती। इन्होंने 1905 बिजनेस शुरू किया था और 1915 में सक्सेस हो गया। 10 साल में कितने अमीर हो गए, लोग पूछे कितनी सक्सेस राज क्या 10 साल में कैसे हो गए, कैसे हम अमीर हो गए। इन्होंने पूछता लिखी प्रोफाइल ऑफ सक्सेस, तो मार्केट मिलती है, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ सक्सेस के फार्मूले थे, सक्सेस सिद्धांत बताए थे। इससे पहला फार्मूला है बिजनेस ऑफ योर अर्न। इन्होंने बताया था अपनी किताब में, यदि अमीर हो तो व्यवसाय करना पड़ेगा, नौकरी करते अमीर हो सकते। आज आप किसी शहर में देखें, उस शहर का सबसे अमीर आदमी कौन है, कर्मचारी है बिजनेसमैन। आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में सर्वे कर लीजिए, कौन अमीर है, बिजनेस वाला है कर्मचारी, ठीक है। तो आपको व्यवसाय करना पड़ेगा यदि अमीर होना है। दूसरा फार्मूला, व्यवसाय करता हो टेंजिबल व्यवसाय ऐसा जिसमें डेली डेली सामान हो। टाटा डिस्कवरी ट्रक पर सुनाती थी, आज नमक चाय बना रहे, क्योंकि ट्रक पर रोज लोग नहीं लेते नमक चाय, डेली यूज का सामान। व्यवसाय करता हो डेली नीड्स का, डेली उपयोग की चीज, साउथ मंजन तेल व्यवसाय। तीसरा फार्मूला था कि एक काम के 100 रुपए कमा रहे हैं, 70 है, इसी 100 रुपए को आप पैसे संभाल। अब देखिए 100 रुपये हम कमा रहे हैं, 100 रुपये आप कमा रहे हैं, यहाँ पर एक काम है तो बंद इनकम जीरो, यहाँ पर एक बंद दो बंद फिर भी 70 से आना है। इनका कहना था इनकम आप सोच नहीं होती बस सब एक जगह से। अभी कोरोना काल में क्या हुआ, किसी की एक जॉब था, किसी का एक बिजनेस था, जॉब बिजनेस बंद हो गए तो इनकम जीरो हो गए, रोड में आ गए। मगर गीति जी कहना है इनकम आप सोर्स नहीं हो चाहिए, दो चार बंद भी होते फिर भी इनकम आप बंद होने वाली नहीं है। चौथा फार्मूला हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करके पैसा कमाइए। जो कि आज किसी बिजनेस किसी कोई किसी की मदद नहीं करता, मगर हमारे बिजनेस मोटो है हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प देमसेल्फ, यानी कर भला सो हो भला। अब ये फार्मूले सक्सेस के, और जो ये फार्मूले हमारे बिजनेस में भी लागू होते हैं, जो भी बता रहा हूँ इसमें सारे फार्मूले लागू होते हैं, इसलिए आज हम लोग कामयाब है। पहला कि हम आपको बिजनेस कर रहे हैं, ये और बिजनेस कैसा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का बिजनेस, अनोखा बिजनेस है। दूसरा इसमें डेली प्रोडक्ट है, डेली उपयोगी। तीसरा इनकम आप सोच इनकम कई जैसे बना सकते हैं, कई टीम बनाते हैं, हर शहर से टीम बनाते हैं, पैसा लोग कमा रहे हैं, डॉक्टर बैस का लगभग 10-12 देशों इनकम आ रही है, ठीक है। हेल्पिंग अदर, टाइम कंपाउंडेड डुप्लीकेशन, अपना समय को उठा के डुप्लीकेट करके इनकम बढ़ा सकते हैं।
इसमें क्या हम लोगों की मदद करते हैं, अपन क्या करती है इस बात हमारी मदद करती है, हर भला सो भला। ठीक है, अब ये चार फॉर्मूले सक्सेस के, आज बहुत सारे लोग इन फॉर्मूलों को उपयोग करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एग्जाम्पल लेते बाटा का, बाटा का हम सबको सुने होंगे। बाटा वालों ने क्या किया, सबसे पहले दो फॉर्मूले लिए, अपनी दुकान खोली क्या है कि जूता चप्पल डेली रोज पहनता डेली उपयोगी चीज है। अब जिनकी क्वालिटी बाटा का नाम जाना जाता है, क्वालिटी अच्छी सामान को बिका, सामान को बिका, पैसे सब ये हो गए, मगर इनके पास टाइम नहीं था। सुबह 8 बजे आते, रात 11-12 बजे लौटते, जितने दुकान बंद कम बंद। इन्होंने सोचा अभी दो फार्मूला है, इनको भी लागू किया जाए, अनेकों साधन पैसा कमाया जाए और दूसरों की मदद किया जाए। अनेकों साधन पैसा कमाने के क्या किया, इन्होंने एजेंसी सिस्टम लागू किया, फ्रेंचाइज मैंने एजेंसी बांटना शुरू किया। कहाँ से लाते हैं आप?
जाहिर है मार्केट से लाते हैं, किसी दुकान से लाते हो, क्या दुकानदार बनाता है वो और कहीं से लाता है, वो और कहीं से लाता है, कहने मतलब कमान कहा बनता है कंपनी में, ये होगी कंपनी इसलिए मार्केट वाले अमीर हो रहे हैं, कंपनी को भी उतना पैसा नहीं मिलता जितना मार्केट वालों को मिल रहा है। ठीक है, जॉबर क्या था, मैंने बड़ी होल्डिंग लाउन टीवी में ऐड करा, टीवी ऐड लगता है 90,000 लेकर 3,00,000 तक 10,000 जो व्यक्ति बीते हैं उसकी लगा 1,000 रुपए मिलती है 11,000, ये पैसा कहाँ गया, शाहरुख खान का तकदील में आगे और जोर झटका, धीरे से झटका तो यहाँ लगता, झटका इनको लगता, झटका यहाँ लगता, सही बात है, इनके बच्चे भी दूसरे बढ़ते हैं, चलते हवाई जैसी बड़ी बड़ी हवेलियां होती, घर नहीं होती हवेलियां होती, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास, ठीक है, पैसा किसका है, कस्टमर, हम आप किसी के कस्टमर हैं, आप जहां से प्रोडक्ट लाते हो उसके कस्टमर हैं आप, इसके बाद आप होलसेलर, इसके बैंक देख लीजिए आपके शहर में होलसेलर हो, कोई भी गाड़ी चलता है एसी रूम रहता है, इनके बच्चे बच्चे होते हैं, पैसा किसका है, कस्टमर का, इसके बाद आप कंटेनर, इसकी भी तारों डिमांड चलती होती है, इसके बच्चे किठा पढ़ते हैं मगर इसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इसका नाम रखते हैं कस्टमर, कष्ट करता है मर जाता है मगर इसके पैसे वेस्ट करते हैं, अब इसके पैसे लोग वेस्ट कर रहे हैं, देखिए प्रोडक्ट कहाँ चलता है, कंपनी से, पैसे कहाँ चलते हैं, कस्टमर से, लाइफ टाइम इंक्रीमेंटल बढ़ेंगे बिजनेसमैन, ये पैसा जो हमारे पैसे से लाइफ टाइम मेंटेन हो रही है, यदि ये पैसा हमको मिल जाए तो हमारी लाइफ टाइम मेंटेन होगी ना होगी, स्मार्ट बिजनेस, यही चीज लोग समझ में नहीं आती, आज देखिए बच्चा शहर में, आप अपने शहर में देखिए सिल्वर है गोल्ड है प्लेटिनम है, देखिए कितनी लाइफ चल रही है, हमारे साथ सामने बैठे तो पाटक जी की लाइफ चल देखिए डबल डबल खरबर माल है, ये है एमवे पावर, ठीक है, ये पैसा हमको मिल जाता है, तो हमारी कंपनी कहती है हमसे आप डायरेक्ट जो सामान यहां से लेते हैं वो सामान यहां से लीजिए, जो पैसे यहां जा रहा आपकी गाड़ी कमाई, हमारी गाड़ी कमाई पैसा कहां जा रहा, मार्केट जा रहा, ये पैसा हमको मिल जाता है, ये पैसा हमको मिल जाती है, हम आपको एक सिस्टम से वॉलेट वापस कर देंगे, 40,000 में देंगे मगर एक्स्ट्रा पैसा एक सिस्टम से हम आपको वापस करेंगे, ये 4-5 तरह से कंपनी हमको पैसा वापस कर देती है, पहले क्रेडिट देती है 20% डिस्काउंट छूट में देती है, इसमें 10% खाते में जाता है और 10% आपको छूट में मिल जाता है, जो भी सामान लेते हैं आपको डीएपी मिलता है, ठीक है, दूसरी क्रेडिट है 3 से का स्पेंड तक परफॉर्मेंस बोनस, ये मिलता ग्रुप जैसे जैसे आपको नेट बढ़ता है टीम बढ़ती है टर्नओवर बढ़ता है 1% नहीं बढ़ता भैया वॉइस को टोन करना, ये सीखी मीटिंग आई है सीखे, इसको बिना सीखे करते हैं तो खुद ही बाहर हो जाते हैं, अप्लाइड के नेटवर्क के बाहर जाते हैं, यदि आपको बड़ा बिजनेस करना है तो इसके सिस्टम में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना, 1-2 साल का बिजनेस नहीं है ये, आने वाले जनरेशन तक जाने वाला बिजनेस मेन चीज है, सीखना पड़ेगा तुमसे, सीखे कहाँ से, सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है कहाँ सीखेंगे, इसमें लेना आपको एजुकेशन नॉलेज लेना कहाँ से ले रहे हैं, सीडी गूगल सीडी आ गई आपको मोबाइल में सीडी है सफल होगी, दूसरा इनके बुक्स पढ़ना है, या मैं किताब आती है, तीसरा इनकी मीटिंग होती है, जैसे ये सिस्टम का पार्ट जो मीटिंग हो रही है सिस्टम का पार्ट है, चौथे होते हैं इनके सेमिनार्स, कितना अच्छा सिस्टम आ गया है, वर्चुअल मीटिंग घर बैठ के लॉग इन करके बैठ जाना, इसमें भी लोगों को दिक्कत जा रही थी सीखने, कितना अच्छा अवसर आ गया है ना, कोरोना जब से आया कितना अच्छा सिस्टम आ गया सीखने का, इसी कोरोना काल में बड़ी बड़ी कंपनी आई, लोग फाउंडर डायमंड गए, हम इसी कोरोना काल में फाउंडर प्लेटिनम गए, ठीक है, तो जिसने फायदा उठाया वर्चुअल मीटिंग का है, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म थे, खुद आइए टीम को प्रमोट करिए, कोई पैसा नहीं लगना, अभी मीटिंग होती थी सप्ताह में तो 50 टिकट लगती, यहाँ पर फ्री आपका बैठ जाना, लोग बोला गया है कि फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती ना, ये मीटिंग फ्री में देखने के लिए इसे वैल्यू नहीं समझते लोग, सीडिया है बुक्स है मीटिंग है, अब सेम लाभ से बड़ा अभी दिल्ली के फंक्शन गए थे सारे लोग साढ़े जितने लोग गए है, तब से सीखते हैं जब सीखते हैं डिजिटल की पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म की, इसको लेने में 1-2 साल समय लगता है, इनकम होती है फर्म की, दूसरी बनती है इसको लेने में 2-3 साल समय लगता है, इनकम होती है 2-3 लाख फर्म की,
तीन थी डायमंड की, इसको लेने में 3 से 5 साल समय लगता है, इनको होती 3 से 5 लगता है हर मंथ। अब ये पैसा कैसे आएगा, 1 लाख 3 लाख 5 लाख, अगला काम करना नेटवर्क। नेटवर्क हमारे लोगों को बताना जानकारी दे, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई जाबर है ना, कोई होलसेलर है ना कोई ट्रेडर, आप जाबर है आप होलसेलर है आप ट्रेडर आप कस्टमर, ये सिस्टम सेटअप काम करना पड़ेगा। वो आज देखा जाए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करेंगी, टाटा क्या कर रहा है नेटवर्क, बाटा क्या कर रहा है नेटवर्क, रिलायंस क्या कर रहा है नेटवर्क, सारे नेटवर्क बना रहे हैं। नेटवर्क बनाने का मौका मिले फ्री ऑफ कॉस्ट तो बनाना चाहिए ना, बनाना चाहिए काम, क्योंकि नेटवर्क बनाते लोग, टाटा यदि सिंगल होता बाटा सिंगल होता क्या इतना पैसा होता नहीं होता। नेटवर्क की पावर है, आज वो अमीर है रिचेस्ट है दुनिया में नंबर एक है, ये बिजनेस हमको नेटवर्क बनाने का अवसर दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे सीखना पड़ेगा थोड़ी सी, ठीक है। तो कैसे नेटवर्क फैलेगा इसको सीखना है। सपोज यहाँ पर आप हैं, यह गुरुकुल सिस्टम है, तो नया सिस्टम आ गया और यहाँ पर सर्विसेज कॉर्पोरेशन एमबी कॉर्पोरेशन, एमबी कॉर्पोरेशन क्लैपिंग हो जाए, ताली बजा सकते आप क्लैपिंग के लिए और यह सिस्टम के लिए गुरुकुल सिस्टम के लिए क्लैपिंग कर सकते आप लोग। देखिए गुरुकुल सिस्टम आपकी मदद कर रहा है, एमबी आपकी मदद कर रहा है और यहाँ पर ऊपर आपकी अपलाइन भी मदद कर रही है। यदि तीन लोग सपोर्ट मिले, वो बीच में है, ऊपर अपलाइन मदद कर रही है, गुरुकुल सिस्टम मदद कर रहा है और एमबी मदद कर रहा है, तो सक्सेस हो सकते नहीं हो सकते। इसमें सक्सेस वही हो नहीं होता है जो यहाँ से मदद नहीं लेता, जो मदद ले रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेटवर्क कैसे फैलेगा, सपोज आपने यहाँ से एमबी में आए, आने वाले जो हमारी मार्केट लेते हैं यहाँ से, चूंकि बिजनेस है एमबी बिजनेस है, दुकान बदलना जैसे आपको ना दुकान बदलना है, ठीक। सपोज आपने यहाँ से 10,000 कमा लिया, यहाँ पर कोई जरूरी 10,000 ले 100-200 जितने की आपकी इच्छा होती है, कोई बंधन नहीं कोई फाउंडेशन नहीं है कितने कमा लेते हैं, यहाँ पर बताएंगे पैसे कैसे आएंगे, मेन चीज है कुछ लोग गांठ बांध देते 10,000 कमा लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 10,000 कमा लिया आपको 2,000 रुपये डिस्काउंट मिल गया, 1,000 रुपये खाते में गया और 1,000 रुपये छूट मिल गया, अब क्या प्रोडक्ट यूज किए अच्छे लगते क्या करना कुछ लोग बता देना, वही काम करना जो अभी तक करते आए हैं। सपोज मार्केट देखो अच्छा सामान मिल गया छूट में, एक अच्छा लोगों को बताते नहीं बताते, तो बहन जी लोग जाती है मार्केट में अच्छी साड़ी लाती है डिस्काउंट पे, तो यहाँ 10 लोग बता देती है, दुकान में भीड़ लगाती है, आपके शहर में कोई मिठाई की दुकान प्रसिद्ध है, किसी डॉक्टर कोई डॉक्टर प्रसिद्ध है, सही बात है। काम यहाँ करना लोगों को बताना जानकारी देना, सपोज आपने यहाँ कोई जरूर कितने भी आ सकते, एक भी आ सकते 100 भी आ सकते, अब ये भी यहाँ से सीखते हैं, पहला काम करना है यहाँ पर बोला था आपसे पहले सीखना है, यहाँ भी ये सीख सकते जितनी मीटिंग होती है, ठीक है। और यहाँ से फोट ले रहे हैं यहाँ पे से दुकान बदल दिए, यहाँ सीखे और यहाँ से दुकान बदल दिए, पहले आप गए थे 6 लोग और आगे कितों के साथ, ये 7 लोग 10,000 फोट ले रहे हैं, आपका टर्नओवर 17,000 है, यहाँ मिलता 5,000 रुपये, आपने प्रोट किया 10,000 का और 5,000 खाते ले रहा प्रोट कितने का, तो सस्ता हुआ। अब देखिए आज तक अब विश्लेषण करिए, पीढ़िया गुजर गई मार्केट संभाल लेते थे, आज तक पैसा आए किसी को नहीं आया ना, आने संभव नहीं, संभव नहीं आए कभी। यहाँ से आपने सपोज आप 500 के संभाल लेते हैं 5,000 का संभाल लेते हैं तो आप खाते में पैसा आएगा, मेन चीज ये है। इनके साथ सपोज 4 लोग आते हैं, ये भी यहाँ सीखते हैं संभाल लेते हैं, 6-4 24-7 लोग होते हैं, ये सभी 10,000 संभाल ले रहे हैं, 3,10,000 का टर्नओवर होता है, यहाँ मिलता 20,000 रुपये, आपने टोट किया 10,000 से 20,000 खाते में सामान कितने पड़ रहा है, 3 पड़ रहा है, ठीक है। इनके साथ 3-3 लोग आते हैं, ये भी यहाँ से सीखते हैं यहाँ से टोट लेते हैं, 103 लोगों की होती है, ये सभी 10,000 टोटते रहे हैं, 10,30,000 का टर्नओवर आता है, जैसे 10 लाख का टर्नओवर आता है यहाँ पर 1,00,000 रुपए इनकम आती है, सिल्वर की मिलती है इसी को 3 महीने रिटर्न करते हैं, गोल्ड की मिलती है इसी को 3 महीने और रिटर्न करते हैं, प्लेटिनम मिलती है, कंपनी ट्रांसफर लेगा तो कंपनी फॉरन की नहीं मिलती है, हमको तो प्लेटिनम पूरा इंडिया मिला था अब तो फॉरन मिलने लगा है। अब देखिए यहाँ पर 10,000 संभालिए और टीम बन गई 1,00,000 तुम्हारी साथ फॉरन की मिलती है, सामान फ्री पड़ रहा है, फॉरन टीम बन रही है, रिकॉग्निशन हो रहा है, सही बात है। यहाँ पर टाइम कैसे बढ़ता है, शुरू में आता है इनका फार्मूला टाइम इक्वल टू मनी, समय बढ़ जाएगा तो इनको बढ़ जाएगा। यहाँ पर टाइम कंपाउंडिंग कैसे होती है, यहाँ पर 7 लोग हैं 2 घंटे काम कर रहे हैं 2-3 घंटे काम हो रहा है, यहाँ पर 21 लोग हैं 2 घंटे काम कर रहे हैं,
5 घंटे काम रहा, 103 लोग हैं, 2 घंटे काम पर हैं, 206 घंटे आपका टाइम बढ़ गया, इनकम बढ़ गई। यह काम टाइम की कंपाउंडिंग, जॉब में कि कोई डॉक्टर टाइम कंपाउंडिंग नहीं कर सकता है। अब चलते हैं, देखिए अगर सबसे ऊपर है ये सबसे नीचे है तो ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? अधिकांश लोग बोलते हैं ऊपर वाला, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं। इसमें क्या है, जो जिस से काम करता है उसके पैसे आते हैं। यहाँ पर क्या है, यदि अच्छी मेहनत करता है इसका अंक चला जाएगा। और दूसरी बात बताएंगे इसमें रॉयल्टी में पैसे आते हैं, लीडरशिप बोनस कैसे आती है, ठीक है? चलिए सपोज कोई एक आदमी है, कहीं आपको बिजनेस लाना चाहता है। ये लाना क्यों चाहता है? क्योंकि हमारा बिजनेस करता है, मदद करने के लिए ला रहा है, मेंबर बनाने के लिए ला रहा है। मेंबर बनाने से पैसा नहीं आते हैं, लोग कंफ्यूज है। लोग जब किसी को प्लान दिखाते हैं सोचते हैं इसको कुछ फायदा होने वाला। अरे अपना फायदा समझो भैया, बनाएंगे तो फायदा होगा, ठीक है? ये आपको प्लेटन बनाएंगे, सोच क्या है जितनी जल्दी प्लेटन जाए। जब प्लेटन जाएंगे आप तब आपकी इनकम 1 लाख रुपए, जब एक साथ में देगा 6% लगभग 50,000 को 50,000 का मिलेगा। जब 1 लाख कमाएंगे आप, जब तक 1 लाख आपको नहीं आएगा पैटर्न नहीं जाएंगे तो यक्ष नहीं भी पैसा नहीं मिलने वाला। अच्छा काम है, लोगों मदद कर देगा। अब यक्ष ने आप मदद किया, आप अपने से 3 लोग प्रेटर में आते हैं, 3 लोग को प्रेटर में आते हैं, डिग्री मरण की इनकम होती 2 लाख, यक्ष को मिले 1 लाख रुपए मिलेगा। यक्ष को मिला 1,50,000 रुपये मिला है, आपको मिला 3 लाख रुपए। आपने और मदद की, जब 6 लोग प्रेटर में आते हैं कुछ छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। ये तो प्लान रहा कि इसमें कैसे पैसे आएंगे, क्या क्या बेनिफिट है, इसमें करना क्या पड़ेगा मेन चीज है। तो बस 10 मिनट ज्यादा समय नहीं लेती है, 10 मिनट समय लेंगे आपसे। छोटे छोटे स्टेप है, ये फार्मूले बताए ना कितने जी के फार्मूले हैं अमीर होने के लिए। सेम इसमें एमबीए में सक्सेस होने के लिए कुछ सफल होते हैं फार्मूले बनाते हैं। लोग क्या करते हैं एमबीए में तो आ जाते हैं, वो फार्मूले लागू नहीं करते, मेन चीज है, समस्या वहां जाती है। तो छोटे छोटे स्टेप है वो हमारे लिए स्टेप हमको करना पड़ेगा हमारे बिजनेस, क्योंकि हमारा बिजनेस है ना अपलाइन का है ना डाउनलाइन का। हम स्टेप फॉलो करेंगे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो हमारे जस्ट लेडी है, फाउंडर प्रथम लेडी है, आपको बताएंगी इसमें करना क्या पड़ेगा। वेलकम मिस्टर मिसेस पूनम नामदेव, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूनम नामदेव बाबू टीचर है और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि सर ने कितना बढ़िया प्लान दिखाया। जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन उसका होता है कि हमको करना क्या है। तो अब मैं वही बात करूंगी कि प्लान दिखाने के बाद आपको करना क्या है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, कोर बेसिक, ये हमें कोर बेसिक करना है। कोर बेसिक में सबसे पहले काम करना है हमें लिस्ट बिल्डिंग है ना। देखिए हम कोई भी काम करते हैं तो ये लिस्ट जरूर बनाते हैं। यदि हमने अपने घर में शादी की है, यदि हम कोई ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो हम अपने घर में लिस्ट बनाते हैं। तो इस बिजनेस में भी सबसे पहले हमको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। और ये लिस्ट हमें 3 तरीके की लिस्ट बनाना है। सबसे पहले हमें बनाना है लिस्ट ऑफ ड्रीम, सपनों की। इस बिजनेस को हमको क्यों करना है, देखिए हर व्यक्ति जो भी इस बिजनेस में काम कर रहा है वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है और उसके बाद ये बिजनेस करता है, तो उसका कोई ना कोई रीजन होना चाहिए कि क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं, है ना। देखिए हम टीचर है, मैं जॉब कर रही हूँ, जॉब के बाद में इस बिजनेस को कर रही हूँ, तो मेरे अंदर कोई ड्रीम्स होना चाहिए, कोई ऐसा सपना होना चाहिए जो मुझे परेशान कर रहा है ना, जो मेरी चीजें वहां से पूरी नहीं हो रही मेरे जॉब से। तो कुछ सपने होने चाहिए, कुछ ड्रीम्स होने चाहिए, कुछ वाई क्यों करना है इस काम को। तो आपको सबसे पहले अपनी लिस्ट ऑफ ड्रीम बनाना है, कारण बनाना है, 8-10 कारण आपको लिखना है और उन कारणों को लिखिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अगर ये बिजनेस आप लगन से करते हैं तो वो आप देखिएगा कि वो सारे सपने आपके धीरे धीरे पूरे होंगे और आप टिक लगाते जाइएगा कि आपके कौन कौन से सपने पूरे हुए। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस,
है ना, दूसरी लिस्ट हमको बनानी क्वेश्चन। अभी आपने ये प्रेजेंटेशन देखा, प्लान देखा, उसके बाद आपको कुछ प्रश्न मन में आए होंगे, है ना, बिजनेस कैसा है, कैसे करेंगे, और कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं, इसके प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या प्रोडक्ट अच्छी है नहीं है प्रोडक्ट, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, तो उस क्वेश्चंस को हमको लिखना है ना। और जो सक्सेसफुल आपके है, सक्सेसफुल आपकी अपलाइन है, उसके साथ बैठना है और उस क्वेश्चन को हल करना है। हम बताएं कि इस बिजनेस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, है ना, ये बिजनेस को चलते हुए 64 साल हो गए हैं, 110 देशों में चल रहा है, इंडिया में भी ये 25वीं साल गिरा मना रहा है। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस होते तो ये बिजनेस इतने लंबे समय तक नहीं चल पाता, है ना, तो इस बिजनेस में कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर तीसरी है लिस्ट ऑफ नेम, हमें नामों की सूची बनाना है ना, हमारे इसमें कहा गया है लगभग 200 नामों की सूची हमको बनाना है। अब इसके बाद हमारा दूसरा काम है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग, अब लोगों से हमें पूछना है कि क्या आप पार्ट टाइम बिजनेस करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं, है ना, क्या आप अपने स्पेयर टाइम का जो आपके पास खाली समय है क्या उसका उपयोग करके आप अपना बिजनेस कुछ इनकम एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं। यदि वो कहते हैं कि हाँ ठीक है हमको करना है, तो हमको उसको क्या करना है, एसटीपी करना है, शो द प्लान। अभी सर ने दिखाया दो पन्ने का प्लान है, ये शो द प्लान है ना, इसको हमको अगर हम नहीं कर पाए तो इसको हमको रट लेना है, है ना, इस पन्ने को, इस प्लान को, दो पन्ने का प्लान है, रट लेना। आज हमने जो भी काम किया, देखिए आज हमने इतनी एजुकेशन की, तो बहुत पढ़ाई की है, बहुत कुछ रटा है, और इस बिजनेस में भी दो पन्ने का प्लान रट लेना है। और जब दो पन्ने का प्लान हम रट लेंगे तो इसमें हमें कुछ रिजल्ट मिलेंगे, इसमें हमको मिलेंगे, जब हम लोगों के पास जाएंगे तो 35% लोग हमको नेगेटिव मिलेंगे, है ना, आपकी बात को वो सुनेंगे ही नहीं, और 35% लोग लाफर मिलेंगे, हंसने वाले मिलेंगे, कहेंगे जब आप करोड़पति बन जाइएगा, जब आप लाखों रुपए कमा लीजिएगा, जब आपके पास गाड़ी आ जाएगी तो हमको बताइएगा, है ना। और इसमें 20% लोग होते हैं प्रॉब्लम वाले, उनको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम, सभी उनके पास सब यही डेरा डाले हैं, सब बच्चे छोटे रहेंगे, कभी उनके बच्चे बड़े रहेंगे, तो ये हमारा हो गया 90% लोग हमारे छट गए, यहाँ हमारा 10% लोग बगे, है ना, 200 का 10% 20 लोग होते हैं, 20 में से भी हम 14 लोग छाट दें तो हमें 6 लोग चाहिए डायमंड जाने के लिए, है ना, इतनी बड़ी आबादी है ना, हमारा नंबर 2 पे है इंडिया आबादी के क्षेत्र में, है ना, तो अब मेरे ख्याल 1 पे भी आने वाला है ना, तो अपने तो हमें ये 6 लोग हम ढूंढ सकते हैं, है ना। और फिर जब उसके बाद हमको क्या करना है, फॉलो अप, फिर हमें लोगों से मिलना है वापस, है ना, और अगर उनके मन में कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को हमको हल कर देना है, उनको कुछ लिटरेचर देना है, कुछ अपना प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना है, यदि वो हमारे बिजनेस में आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो वो हमारे बिजनेस में कस्टमर के रूप में भी काम आ सकते हैं, है ना, तो ये हमारे हो गए 4 बेसिक।